हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ममता गांधी डिजिटल पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास नाइन के एक्सरसाइज 1.4 से रैशनलाइजेशन क्वेश्चन। रैशनलाइजेशन क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इसे सीख लें। तो क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको उसके डिनोमिनेटर पे ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन साइन और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको फिर खुद से ट्राई करना है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका 1/√7। 1/√7 है, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपको समझ में आ जाए ताकि इसके बाद आप बड़े क्वेश्चन कर सके, इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे आपके पास है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 1/7 को आपको क्या करना है, √7 को आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बाय √7। ये पी बाय क्यू के फॉर्म में, इसको आपको √7 से ही मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो जब आपने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो √7 × 1 तो √7 ही होगा, और जब आपके पास दो रूट की वैल्यू आ जाती है सेम नंबर से तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक इंडिविजुअल वैल्यू में, तो √7/7। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके बताती हूँ, वो साइन के साथ है। जैसे 1/√7 − √6, इसको आपको रैशनलाइज करना है। तो सेम प्रोसेस है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है। यहाँ माइनस है, अब रैशनलाइज में जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये √7 − √6 क्या हो जाएगा, √7 + √6 में। तो चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड बाय √7 + 6 से साइन को चेंज करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 1/√7 − √6 मल्टीप्लाई √7 + √6 और डिवाइडेड बाय √7 + √6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये सेम ही रहने वाला है, और हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में एज इट इज लिख लेते हैं, √7 √6। ओके, नाउ अभी हमने जैसे ये नंबर आपके पास आया तो आपके माइंड में स्टक किया होगा कि कहीं ना कहीं इस टाइप के नंबर देखे हैं। तो हमने हमें क्या करना है, इसमें यूजिंग आइडेंटिटी, 8th क्लास में बहुत पढ़ा है, सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आइडेंटिटीज बहुत इजी है और 8th क्लास में बहुत सारे इस पे क्वेश्चन किए हैं। यूजिंग आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी, ये ए और ये बी, ये ए है ये बी है और यहाँ माइनस है, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी। इसके इक्वल टू क्या होता है, a² − b²। तो इसको अगेन लिखते हैं √7 + √6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल a² मतलब √7² माइनस b² मतलब √6². जब इसको हम स्क्वायर से बाहर करेंगे, √7 + √6 तो यहाँ हो जाएगा 7 − 6, दैट इज √7 + √6 / 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसी के और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको नहीं आएंगे तो मैं क्लियर करके बता दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसे हिट करें, थैंक यू, ताकि मुझे